फ्रेंड्स 2024 में क्या आप भी एक नया एसी लेने की सोच रहे हैं? फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एक अच्छा एसी मिले और आपका जो पैसा हो वो वेस्ट ना हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिसको एसी लेने से पहले आपको जानना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है लोग नया एसी लेके आते हैं और उसमें कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम नजर आती है, जैसा कि उनको लगता है कि हमारे जो एसी है उसकी कूलिंग कम है। वो बार बार कंपनी कंप्लेन करते हैं, वहां से इंजीनियर आता है और उसके बाद वो बोलता है कि आपके एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन हमको उसकी कूलिंग कम लगती है। उसकी वजह आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। एसी खरीदने से पहले हम ये सब चीजें सोच लेते हैं, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कौन सा मॉडल लेना चाहिए, सारी चीजें हम सोच लेते हैं, कैसा एसी हो, कैसा कलर हो, वो सब चीजें सोच लेते हैं, जो कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उसका हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि उसकी नॉलेज हमको नहीं होती है। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगर आप इस चीज का ध्यान रख लें एसी लेने से पहले, इस चीज को आप जान लें, तो आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा और आप इन सब झंझटों से बचे रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप अगर अपने कमरे के लिए, अपने रूम के लिए एक नया एसी लेने जा रहे हैं, वो किसी भी ब्रांड का आप एसी लें, किसी कंपनी का आप एसी लें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बात है वो जरूर आप जान लें कि अगर आप अपने रूम के लिए एसी ले रहे हैं, जिस भी रूम के लिए एसी ले रहे हैं, उस रूम का एरिया कितना है, ये बहुत जरूरी होता है जानना कि जिस रूम के लिए हम एसी ले रहे हैं उसमें कितने टन का एसी लगेगा। फ्रेंड्स अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो एरिया है, जो रूम है, वो बड़ा होता है और एसी हम छोटा ले आते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे एसी में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो कूलिंग नहीं कर रहा है। तो आप अगर नया एसी लेने जा रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके रूम के लिए कितनी कैपेसिटी का एसी आपको चाहिए। अगर आप इस चीज़ को जान लेंगे तो कभी भी आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई किसी को नहीं बताता है। आप जहाँ से भी एसी खरीदने जाते हैं वो आपको नए नए मॉडल दिखाता है, कंपनी बताता है, फ्यूचर बताता है कि इसमें ये सिस्टम है, इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, लेकिन जो मेन बात है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जान लें अगर आप एक नया एसी लेने जा रहे हैं अपने रूम के लिए, तो अगर आपका जो एरिया है रूम का वो कितना बड़ा होगा और कितना आपको कैपेसिटी का एसी लेना है। तो जो आपका रूम है उसका एरिया 100 स्क्वायर फीट से लेकर 130 स्क्वायर फीट तक है तो आपको 1 टन का एसी लेना है। अगर आपका जो एरिया है वो 130 से 200 स्क्वायर फीट तक है तो आपको 1.5 टन का एसी लेना है, और अगर आपका जो रूम का एरिया है वो 200 से 300 स्क्वायर फीट तक है तो आपको उसके लिए 2 टन का एसी लेना है। तो फ्रेंड्स अगर इस चीज का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो कभी भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका एसी परफेक्ट काम करता रहेगा, वो चाहे जो भी ब्रांड का आप एसी खरीदें। फ्रेंड्स अगर इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो एसी है वो परफेक्टली काम करता रहेगा, उसकी कूलिंग अच्छी होगी और आप कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज और लोगों में शेयर करिएगा, और हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।